All right, so guys, what's up everybody, here is Zafar bhai and welcome back to my YouTube channel with a new one vlog. Guys, अभी हम लोग हैं खुल्लाबाद में. हम लोग जा रहे थे सुल्तान अब्दुल मजीद सानी के मज़ार के ऊपर, उनके मकबरे के ऊपर. सुल्तान अब्दुल मजीद सानी 2 के खुल्लाबाद से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर कालागढ़ का जो पहाड़ी है खुल्लाबाद में, तो वहाँ पर उनकी मज़ार बनाई गई है, उनका मकबरा बनाया गया है. लेकिन उसकी ख़ास बात है कि वहाँ पर जैसी जिस किसी का भी मकबरा औरंगाबाद में है तो उनके मज़ार भी वहाँ पर है, उन्हें तस्फीन भी वहाँ पर ही किया गया. लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, इनका मकबरा है, उनके मज़ार भी है, लेकिन उन्हें तस्फीन वहाँ पर नहीं किया गया. सो यहाँ पर एक ये ख़ास बात है. सो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, वहाँ पर विज़िट करने वाले हैं, वहाँ पर देखने वाले हैं कि उनका मकबरा कैसा बना है एंड वहाँ पर क्या क्या है. सो यहाँ काफ़ी अमेजिंग ब्लॉग एक बनने वाला है. सो आप ये ब्लॉग को पूरा देखें, पूरा एंड तक देखें तो आपको समझ में भी आएंगे. सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की हिस्ट्री भी काफ़ी अमेजिंग है, इस मकबरे की भी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, तो आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में सुनने में. लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना एंड पूरा आखिरी तक वॉच करना. सो हम लोग जाते हैं वहाँ पर एंड स्टार्ट करते हैं ब्लॉग. लेट्स गो. मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर पहाड़ के ऊपर है वो. तो अभी हम लोग यहाँ से रूट है ऊपर जाने का. यहाँ पर हमारी बाइक पार्क है, यहाँ से हम पूरा ऊपर चढ़ कर. तो अभी हम लोग जा रही है हमारा चलना ऊपर, 200 या 300 मीटर कुछ बचा है ऊपर जाना, टॉम के पास जाना. हम जा रहे हैं अभी, और एक छोटा सा पहाड़ है बस, वो कवर करना है हमें एंड हम पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पर. हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर, जो कि ये रहा हमारा मकबरा एंड ये है पूरा कालागढ़ का पहाड़ी. तो ये पूरी जगह जितने भी देख रहे हैं ना, ये पूरी तकरीबन ये पूरी जगह 15 एकड़ जगह थी एंड यहाँ पर इस मकबरे के साथ साथ मस्जिद का, खानखाओं का एंड बागात का सब, मतलब सब तामीर करने वाले थे. हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर बनने वाली थी. 1948 का जो पुलिस एक्शन हुआ था उसके बाद से मकबरे का पूरा काम रोक दिया गया था एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था. खाली इतना इसका स्ट्रक्चर बना था, गुम्बद बना था एंड उसके बाद यहाँ पर जितनी भी जगह थी अभी पूरी जगह खाली पड़ी है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, जैसा कि आप देख सकते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा चबूतरा वगैरह का भी तकरीबन अच्छा खासा बनाया गया है. देख सकते हैं चबूतरा यहाँ से पूरा एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ से इसका बनाया गया था ऐसा. एंड ये पूरी इतनी बड़ी जगह है लिटरली. सो मतलब यहाँ से एक साइड में मस्जिद रहने वाली थी, एक लिप की जानी मतलब ये साइड में मस्जिद रहने वाली थी, राइट साइड में यहाँ पर पूरे खानखाए बनने वाली थी एंड यहाँ पर पूरा बाग बनने वाला था एकदम स्पेशल तरीके से बाग एंड बीच में सेंटर में गुंबद था. तो आपको यहाँ से एकदम प्रॉपर दिखे, यहाँ से एंट्री है. मैं आपको एक बार नीचे से बताता हूँ, नीचे जाकर तो आप लोग को यहाँ से एकदम प्रॉपर दिखेगा कि इसका जो आउटलुक है आपको यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, सो गाइस, आप लोग जैसा पीछे देख सकते हैं सुल्तान अब्दुल मजीद साहब का पूरा मकबरा तामीर किया गया है. सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि मतलब उनका क्या सीन था. सुल्तान अब्दुल मजीद सानी दुवम ऐसा इनका पूरा नाम है. सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा थे. इनकी पैदाइश 1868 में हुई थी इस्तंबुल में, तुर्की में. सुल्तान अब्दुल मजीद साहब 1922 में सल्तनत उस्मानिया के खलीफा बने. उसके दो साल के बाद 1924 में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई, मतलब उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का दौर ख़त्म हो गया एंड उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद साहब जो है तो फ्रांस शिफ्ट हो गए थे, मतलब तुर्की इस्तंबुल छोड़ के फ्रांस चले गए थे. एंड उसके बाद 12 नवंबर 1931 को सुल्तान अब्दुल मजीद साहब की बेटी दुर्रे शहवार की शादी हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली के बेटे आज़म जाह बहादुर से हुई. सुल्तान अब्दुल मजीद साहब ने हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली को बताया कि उन्हें एक मकबरा बनाना है
तो निज़ाम मीर उस्मान अली ने यह मकबरा यहाँ पर बनाने का हुक्म दिया, यहाँ पर तामीर करने का हुक्म दिया सुल्तान अब्दुल मजीद साहब का। सो उन्होंने एक जगह चुनी खुल्दाबाद में। सो यहाँ पर खुल्दाबाद से 3 किलोमीटर दूर काला कड़का पहाड़ एंड कोएश शामित के बीच में एक पहाड़ी चुनी गई एंड वहाँ पर इस मकबरे का तामीरी काम शुरू किया गया। मिला के पूरा 15 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 15 एकड़ ज़मीन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला था। सो यहाँ पर यह मकबरा तो तामीर किया जाने वाला था, इसी के साथ खानखा मस्जिद एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक बाग बनाने वाले थे जिसका काम मुकम्मल नहीं हो पाया। इस मकबरे का और बागात का और मस्जिद का तामीरी काम जारी ही था तो उसी वक्त एक काफ़ी अफसोसनाक खबर आती है कि 23 अगस्त 1944 को सुल्तान अब्दुल मजीद साहब का इंतकाल हो जाता है, फ्रांस में होता है। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं के लिए उनका मकबरा बन रहा था, मतलब उनको यहाँ पर उनको तदफीन होने वाली थी, यहाँ पर उनका उनकी खबर यहाँ पर बनने वाली थी। लेकिन उस वक्त इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में ऐसे हालात चलते हैं जिस वजह से उन्हें यहाँ पर नहीं लाया जा सका एंड उन्हें जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में तदफीन हुई उनकी आखिरी एंड वहाँ पर उन्हें दफन किया गया। 1944 में उनका इंतकाल हुआ सुल्तान अब्दुल मजीद सानी का एंड उसके 5 साल के बाद 1948 में पुलिस एक्शन जब हुआ था इंडिया में तो उसके बाद इस मकबरे का इस पूरी जगह का काम बंद कर दिया गया था एंड जब से इस मकबरे का एंड पूरी जगह का काम अधूरा पड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो अंदर से एकदम पूरा अच्छे से लुक बताता है उसका करके ये अंदर से कैसा बना हुआ है एंड यहाँ पर गुंबद वगैरह कैसा है एकदम प्रॉपर एंड इस मकबरे के अंदर से हालत काफ़ी बेकार हालत हो चुकी है अभी के साथ। ऊपर आज अगर देखेंगे तो ये कम से कम 80-90 फीट ऊपर है। सो काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी खूबसूरत ये मकबरा तामीर किया गया था यहाँ पर। यहाँ पर इनकी जो खबर थी उसकी जगह भी अभी जैसी की वैसी छोड़ी हुई है एंड उसके बाद से उनके इंतकाल के बाद से उन्हें नहीं लाया गया तो यहाँ पर किसी को भी उसके बाद दफनाया नहीं गया जब से ये पूरी जगह खाली पड़ी है, वीरान पड़ी हुई है। सो इस मकबरे से जो सबसे करीब शहर है वो खुल्दाबाद ही है, मतलब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है खुल्दाबाद शहर। एंड अगर आप लोग को भी यहाँ पर आना है और मैं तो आपको कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आओ एक बार एंड यहाँ पर विज़िट करके जाओ। तकरीबन लोगों को नहीं पता होगा ये इसके बारे में, तो आप लोग को अगर पता भी चढ़ रहा है तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो इसकी हर व्लॉग में जैसा मैं बताता हूँ इसकी गूगल मैप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। एंड गाइस एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर ये इस मकबरे का भी पूरा तामीरी काम अगर मुकम्मल होता था पूरा हर एक चीज़ मतलब लाइक मस्जिद खानखा एंड बाग अगर पूरा अच्छे से प्रॉपर बनता था तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता था। लाइक यहाँ पर भी लोग इसे विज़िट करने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे, लाइक बीबी का मकबरा या फिर अभी मैंने रिसेंटली बनी बेगम बाग मैंने विज़िट किया तो उसके जैसा एकदम पूरा एकदम प्रॉपर बनता था। जिस वजह से उसका काम रुक गया था, बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद इसे कभी कंटिन्यू किया ही नहीं गया। सो अभी तक भी इसे कंटिन्यू नहीं किया गया है। एंड ये जो जगह है पूरी जगह भी निज़ाम टेरिटरी में आती है, निज़ाम सरकार के अंडर में आती है पूरी जगह। सो या आप लोग को भी अगर आना है तो आप लोग गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल मैप की लिंक दिया हो, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ द होल व्लॉग ऑफ टॉम्ब ऑफ सुल्तान अब्दुल मजीद सानी दुबम। सो या काफ़ी बढ़िया व्लॉग बना है, काफ़ी अमेजिंग व्लॉग बना है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा व्लॉग। सो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ आप व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सभी के साथ शेयर करो जितने भी आपके आस पास है दोस्त व अहबाब है सभी के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि व्लॉग कैसा बना है मुझे और कहाँ कहाँ जाकर व्लॉग बनाने हैं, मुझे कुछ सजेशन दो या फिर कुछ प्लेस अगर आपको ऐसी पता होंगी हिस्टोरिकल या फिर अबेंडेंट या फिर ऐसा कुछ यूनिक प्लेस अगर पता होंगी आपको सजेशंस दे सकते हैं आप क्या मैं वहाँ पर जाके व्लॉग बनाऊँगा। एंड या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।